पेड़ पे किस तरीके से मलबरी होती है ये देख रहे हो गाइस, ये देखो। तो ये मशीन को स्टार्ट कर रहे हैं प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, ठीक हो, अच्छे से हो? देखो ये सब मेरे सब्सक्राइबर्स है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, जाके उबैद व्लॉग्स को फॉलो कर लेना। वी मशीन में टूटी डाल रहे हैं और पेट्रोल डाल रहे हैं, और ये देखो मेरे हाथ में देखो मलबरी कितने कितने। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर होस्ट उबैद व्लॉग्स, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उबैद व्लॉग्स। आई होप आप सभी खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला की मर्जी से अपने गांव और घरों में बिल्कुल सेफ होंगे, सेफ ही होने चाहिए, उबैद व्लॉग्स की यही दुआ है। आज का व्लॉग जो है ये फिर से रहने वाला है होम के रिलेटेड। पिछली बार जब मैंने होम व्लॉग अपलोड किया था उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कैसे घास काटते हैं, कैसे सुखाते हैं। पिछली बार मैंने हाथों से घास काटा था, तो आज मशीन से घास काटते हैं, देखते हैं क्या प्रोसेस रहता है। इस वक्त चल रहा हूँ अपने सेब के बगीचे की ओर, तो चलो पहुँचते हैं सेब के बगीचे में, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस पहुँच गए सेब के बगीचे में, ये इस बोतल में पेट्रोल लाया मशीन के लिए, कैन में भी। तो ये मशीन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइस अभी मशीन में टूटी डाल रहे हैं और पेट्रोल डाल रहे हैं, इसीलिए ये स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो फाइनली गाइस मशीन स्टार्ट हो गई है, तो अब मशीन वाले ने घास काटना शुरू कर दिया है। ये देखो कैसे घास काट रहे देख सकते हो, मशीन वाला आगे घास काट रहा है और मैं पीछे पीछे इसको ऐसे उठाता हूँ, जरा दिखाओ ऐसे, फिर खुला खुला रखना पड़ता है ताकि धूप अच्छे से इसे लग जाए और फिर ये अच्छी तरीके से सूख जाएगा। तो देखो मशीन वाले ने कुछ इतना घास काटा है, मैं पीछे पीछे ऐसे फैला रहा हूँ। तो चलो जब मशीन वाला थक जाएगा फिर मैं खुद मशीन चलाऊंगा, आपको भी दिखाऊंगा। घास वास तो हमने पूरा काट लिया, आप लोगों ने देखा होगा। तो अब आए हैं अपने गांव में, एक बहुत बड़ा मलबरी का खेत है तो वहीं पे आए हैं। वीडियो में बने रहना, आपको भी दिखाएंगे और पेड़ भर के मलबरी खाएंगे। कश्मीरी में हम उनको बोलते हैं तुल, तुल नर्सरी कश्मीरी में, और अगर उर्दू में बोले या इंग्लिश में तो मलबरी का खेत। मलबरी के खेत में हमने एंट्री की है, तो यहाँ से शुरू होता है मलबरी का खेत। ये देखो ये छोटे छोटे मलबरी के पेड़ है, ये देखो यहाँ पे छोटे छोटे है और आगे से बहुत बड़े, ये देखो बड़े बड़े मलबरी के पेड़। ये बहुत बड़ा मलबरी का खेत है यहाँ अपने गांव में। तो ये देखो यहाँ से देखो कितने कितने बड़े पेड़ है मलबरी के। और गाइस ये मलबरी का पूरा खेत जो है ये गवर्नमेंट के अंडर होता है, जहां पे भी आप देखोगे कश्मीर में मलबरी का खेत सारे गवर्नमेंट के अंडर होते हैं। तो फाइनली गाइस यहां पे आप देख सकते हो कितने सारे बच्चे, प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, ठीक हो, अच्छे से हो? देखो ये सब मेरे सब्सक्राइबर्स है, वेलकम वेलकम। हाँ बस लग ठीक। ये देखो यहाँ से पूरा मलबरी का खेत है, तो यहाँ पे देख रहे हो कितने बच्चे आए, ये सब बच्चे यहाँ पे मलबरी खाने आते हैं, मतलब तुल।
और गाइस यहाँ पे देखो बिल्कुल इस साइड से भी मलबरी के पेड़ और इस साइड से भी मलबरी के पेड़ और बीच में से बिल्कुल टनल बनी हुई है। ये देख रहे हो गाइस, बीच में से पाथ है चलने वाला। चारों तरफ मलबरी के पेड़ और ये देखो मेरे हाथ में देखो मलबरी कितने कितने प्यारे हैं। एक बार खाओगे ना गाइस, इनका टेस्ट ऐसा होता है कहने की बात नहीं। देखो और गाइस मैंने इनका टेस्ट ऑलरेडी कर लिया है, अब आप लोगों के सामने और एक बार करते हैं। ओह गाइस टेस्ट ऐसा है कहने की बात नहीं, बहुत अच्छा टेस्ट है इन्हें। और गाइस देखो आप लोगों को मैं एक बार करीब से दिखाता हूँ, देखो पेड़ पे किस तरीके से मलबरी होते हैं। ये देख रहे हो गाइस, ये देखो कुछ कुछ पक गए हैं और कुछ कुछ अभी कच्चे ही है। आप देखो और देख लो गाइस यहाँ से कितने हैं, देख रहे हो गाइस इसी तरीके से होते हैं मलबरी पेड़ों पे। और देख लो यहाँ पे भी थोड़े थोड़े कच्चे हैं, थोड़े पक चुके हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों के जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, ये मलबरी का खेत जो है ये गवर्नमेंट के अंडर क्यों होता है, क्योंकि ये मलबरी के पेड़ के पत्ते होते हैं ना, इनसे रेशम कपड़ा बनता है। वो कैसे, छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको बोलते हैं हम कश्मीरी में पर्ट किम, तो ये उन्हीं पर्ट किम को खिलाने के काम आता है। यहाँ पे इस मलबरी के खेत में बहुत सारे मुलाजिम है, वो ये पत्ते काट के ले जाते हैं और उन कीड़ों को खिलाते हैं, फिर वो कीड़े बड़े हो जाते हैं और वो रेशम का कपड़ा और वो रेशम पैदा करते हैं, फिर उस रेशम से रेशम का कपड़ा बनता है। आई होप आपको मेरी जानकारी थोड़ी बहुत समझ आई होगी, इसीलिए ये मलबरी का खेत जो है गवर्नमेंट के अंडर होता है। मलबरी के खेत से हम लोग निकल चुके हैं अपने घर की और आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर व्लॉग किसी भी रीज़न से पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, जाके उबैद व्लॉग्स को फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे भी जुड़े रहना है। तो मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, उबैद व्लॉग्स को खुदा हाफिज़।